हेलो, आप सभी का वेलकम है। सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पर देख सकते हो सीलिंग में पानी है जो टप टप हमारे घर के अंदर आ रहा है। इसका इलाज करवाना ही होगा, बट थोड़ा सा मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसे। और ये देखो, घर की तोरई जो ऊपर हम छत से तोड़ के लेके आए थे, आज इसी की हम सब्जी बनाएंगे और श्रेया के टिफ़िन में रखेंगे। घर में सब्जियां लगाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हम इतने खाद वगैरह डालते नहीं हैं जो कि नुकसान पहुंचाए, और ये घर की ताज़ी सब्जी की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर चल रही है श्रेया के टिफ़िन की तैयारी। तो मैं बनाऊंगी गोल गोल पराठे और बनाऊंगी रोटी। तो सब्जी मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। जीरा हो गया, प्याज, थोड़ा सा लहसुन डाला हुआ है, टमाटर ऐड कर देते हैं और इसको भून लेंगे। भूनने के बाद जो मैंने गोल गोल पीसेस में, क्योंकि मैं जैसा मेरा मन करता वैसा कट कर लेती हूँ, तो मैंने गोल गोल पीस करके कटा है। इस मसालेदानी में एक चीज़ नहीं है जो कि है धनिया पाउडर। तो मेरे पास जो खड़े धनिया है उसको पीस करके मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने इसको धो लिया था और इसको मिलाकर और ढक देते हैं, तो ये पक जाएगी। अब धीरे धीरे सारे काम समेट रही हूँ जो कि घर फैला हुआ है। तो ये जो यहाँ पर पर्दे धुल चुके थे, तो इसको हम रख देते हैं, रॉड में लगा देते हैं, क्योंकि जो एक क्लिप है ना वो थोड़ी सी यानी लग नहीं रही है। और ये हम लोगों ने यानी मशीन से दीवार में इसके जो क्लिप हैं वो लगवाए थे, बट हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो सही है। श्रेया को स्कूल जाना है, उसके पास टाइम नहीं है, बट मैंने बोला कि अगर मैं ये काम लेकर बैठ जाऊंगी तो वो मेरी मदद कर देगी, और वो आई भी करने के लिए, बट हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि वो क्लिप ही नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर वो बस मेरा मजाक बना रही थी, यहाँ पर आ गई है तो लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, पर वो क्लिप निकल गई थी। तो यहाँ पर हम उससे बात ही कर रहे थे, और अभी थोड़ी देर बाद स्कूल चल जाएगी, तब फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी। फ्रेंड्स, हम ये निकल गया। तो ये देखिए, मैंने बना लिए हैं सब्जी और पराठे। अब ये जो कर्टन लगाने को हो रहे थे तो वो लगा ही नहीं है, अभी वो चली गई क्योंकि उसको जाना था स्कूल और वो लेट हो रही थी। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है, एक काम करते हैं, मैं खुद लग जाऊंगी तो मेरी मदद कर देगी। पर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, मेरे पेड़ पौधों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप हमेशा पूछते हो कि सोहाना क्या ऐसा है, आप खाद क्या डालते हो, तो बताते हैं। चाय पत्ती है, और जो हमारा ये तुरई के छिलके थे, केले के छिलके, ये सारा कुछ मैं भी डालकर आऊँगी। तो मैं नहा करके पूजा करके फ्री हो गई हूँ, तो मेरा वैसे डेली वाला जो काम था वो कंप्लीट हो गया। मुझे ड्रम को, वो जो बाहर ड्रम रखा हुआ है उसे पेंट करना था, तो करूँगी थोड़ी देर से। पहले कितना बज रहा है? हाँ देखो, 2 बज गया है, 2 बज गया। तो मैं खाना लगा ली हूँ, तो मैंने बोला पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पर ही मैंने श्रेया के लिए पराठे सेके थे, उसमें से ये 2 बचे हुए थे, तो मैंने बोला मैं 2 पराठे खा लूँगी। ये तुरई की सब्जी, साथ में ये फ्राई किए थे, पूरे नहीं खाऊँगी। और मैंने थोड़ा सा ना ये दही बनाया हुआ है, इसमें मैंने जीरा क्रश करके डाला हुआ है, हल्का सा नमक, तो ये दही बनाया है, इतना मैं दही खाऊँगी। आज काफ़ी दिन बाद मैं इस ट्राईपॉड को मोबाइल में सेट करूंगी। इस बॉक्स में आए थे मेरे पास, तो ये मुझे कल रिसीव हुए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रुचि को अभी पेड़ पौधों में रुचि हो गई है, तो सुहाना तो यहाँ पर मैंने ये पॉट मंगाए हुए हैं जो कि 15 पॉट आए हुए हैं, और मैं इनको निकाल रही हूँ। इनमें से थोड़ा सा धोखाधड़ी हो गई है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम निकली है। तो मैंने जो ऑनलाइन सीड्स मंगाए हुए थे, तो मैंने एक ही पॉट में यानी कि अलग अलग मैंने
जो सीड्स थे यानी वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट प्लस फ्लावर, तो जितने भी मैंने पॉट पहले मंगा के रखे हुए थे उसमें मैंने लगा दिए थे जितने भी फ्लावर के थे यानी, और जो मौसमी वेजिटेबल्स थे वो मैंने लगा दिए थे और मैंने बाकी रख दिए। तो उनको यानी अलग अलग वैसे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं, हमारी नर्सरी जो प्लांट्स की तैयार हो गई है, तो हमें ना रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी यानी कि अलग से हम पौधों को इन गमलों में लगाएंगे, मिट्टी की व्यवस्था करनी होगी जो सॉफ्ट मिट्टी हो। तो मैं आगे कभी बताऊंगी कि कैसे मिट्टी बनाऊंगी मैं। तो इसमें से सिर्फ 3 गमले जो कि मैंने एक्स्ट्रा मंगाए हुए थे वही गमले इसमें चटके हुए हैं। कौन आया था, मैं क्या है, शुक्ला जी का नंबर कोई भी मैंने बंद नहीं करवाया है क्योंकि वो बोलते थे मेरे नंबर मुझे काफ़ी पसंद है, इस कार्ड से मैंने बंद नहीं करवाया। अब जो सिम उन्होंने मुझे दिलवाई थी तो वो सिम तो चालू है, मेरे लिए उन्होंने ही नंबर खोजा था, मुझसे तो कुछ भी नहीं आता था तो वही सिम ला के दिए थे। अब उनके दोनों नंबर, एक तो श्रेया के पास है तो वो तो ऑन ही ऑन है, एक और नंबर है जो कि वही ऑन किए थे, उनके मोबाइल में 2 सिम थी। अब उसके लिए भी रिचार्ज बोलती है कि आपने 2-3 महीने से रिचार्ज नहीं करवाया तो सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, आप शाम तक रिचार्ज करो। हमने बोला ठीक है मैम करते हैं। कहाँ गमले को लेकर बैठी हुई थी, ये 3 गमले हैं जो कि 3 एक्स्ट्रा मुझे पहले जो मंगाए थे वो थोड़े से यानी कि 12 आए थे और अब इस बार मैंने बोला कि चलो 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं और वो 15 में 3 ही ऊपर ऊपर से थोड़े से ये ऐसे डाउन से हैं। कोई ना, मैं इसको चेंज नहीं करवा रही हूँ क्योंकि काफ़ी मैं इंतज़ार कर रही थी, 3 ही हैं। इनमें मैं गेंदे के फूल लगाने जा रही हूँ, टूटे ही गमले में। श्रेया की आवाज आ रही है। तो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं 3, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। मैंने जो गेंदे लगाए हुए थे एक ही पौधे में से कट कर ली थी कुछ ब्रांचेस और मैंने रेत में लगा दिए थे, अब उसको मैं गमले में लगाने जा रही हूँ। चलो चलते हैं। क्या बेटा, हाँ ठीक है, आज पर्दा भी लगाना बोला, हाँ जान आया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि एक गेंदे के पौधे से मैंने कुछ ब्रांचेस कट करके और मैंने रेत में लगा दी थी और करीब 15 दिन मैंने इसमें पानी डाला है तो नया पौधा बनकर तैयार हो गया। तो जो थोड़े से साइड से गमले कट पट थे तो उनको मैं लेकर आई हूँ कि इनमें मैं ना लगा दूँगी। अभी ये मिट्टी मैंने ऐसी नहीं है, सिंपल मिट्टी है, कंकड़ कंकड़ बीन लेते हैं और ऐसे ही गोबर की जो बारीक बारीक है उसको खाद को मिला देते हैं जिसमें कि मिट्टी हल्की हो जाए, बट ऐसे हल्की मिट्टी नहीं बनाई जाती है। मैं आप लोगों को अभी कुछ दिन बाद वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी कि हल्की मिट्टी कैसे बनाई जाती है जिसमें कि पानी पानी बना रहेगा। और यहाँ पर मैं गोबर की खाद मिला रही हूँ मिट्टी में, कंकड़ मैंने बीन लिए हैं, जैसे ज्यों ज्यों दिखते जा रहे हैं हटाते जा रहे हैं। तो ये बच्चे आए थे खेलने के लिए तो हमने इनको काम में लगा दिया कि मैंने चलो हेल्प करो हमारी। तो एक भैया वीडियो शूट कर रहा है और यहाँ पर मैं उससे बता रही थी कि देखो बेटा ऐसे, तो उसे समझ ही में नहीं आ रहा था। तो नहीं, कचरा कचरा अलग कर देते हैं हम और जितना भी बारीक इसमें है पाउडर टाइप का वो मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मैं मिला दूँगी, उसके बाद 4 पॉट जितना भी है। बच्चों को भी शौक होता है ना कुछ ऐसे बनाने का कि कुछ भी अपन करते हैं ना तो शौक होता है। तो आगे भी आप लोगों को ये बच्चे दिखेंगे कुछ दिन वीडियो में, क्योंकि ये आ जाते थे, मैं अकेली रहती थी, श्रेया कोचिंग चल जाती है तो ये आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ करती हूँ तो ये लोग मेरी मदद करते हैं और बातें भी होती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं वो जो पौधे तैयार करके रखे हैं वो मैं लगा दूँगी। पता नहीं क्यों मुझे, आप देखो जो भी हम मेहनत करते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है। तो मैंने अभी जितने फ़िलहाल देखो खीरा लगाया हुआ था, कितने सारे खीरे हुए थे मैंने, यानी पेड़ से यहाँ से बेल से तोड़ तोड़ के खाए हैं। और उसके बाद मैंने तोरई लगाई तो तोरई भी अच्छी खासी हो रही है और मैंने लौकी भी लगाया, सेम भी लगाया हुआ, तो वो आने वाले वक्त पर होगा, अभी फ्रूटिंग कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो ये देखो पांच पौधे मैंने तैयार किए हैं। इसमें रोज़ पानी डाल दिया करती थी मैं, तो मैं इसमें लगा दूंगी। तो कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। अभी कुछ मैंने और ऑर्डर किया है, जैसा कि है कोकोपीट, तो उसको मंगा करके और गमलों में मैं कोकोपीट, गोबर की खाद और मिट्टी, तब हल्की मिट्टी बनेगी। घर में सब्जी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बाज़ार से कुछ बचत हो जाती है, इसलिए अभी टमाटर भी होने लगे हैं, करेले की सीड्स भी लगाए हुए थे तो वो भी हो गए हैं। छोटे वाले करेले बेल अभी फैली हुई है, होते हैं पर ऐसे एक दो मिलते हैं, तो अभी मैं ऐसे नहीं तोड़ती हूँ, उसी में पक जाते हैं वो। तो ये देख सकते हो मैंने इन्हें करीब चार पौधे लगा चुकी हूँ, तो कुछ इस तरीके से है। और सारे गमले में अभी मैं जो भी फ्लावर्स, यानी गमलों में सारे फ्लावर्स हैं, कुछ गमलों में मिर्च के मैं पौधे लगाऊंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, तो आगे भी ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अभी ये फूल जब होंगे ना, तब आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और सभी को राधे राधे।